हेलो फ्रेंड, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं। कहानी का शीर्षक है विनम्र बनो कठोर नहीं। एक बार एक महात्मा जी थे जो जंगल में अपनी कुटी बनाकर रह रहे थे। कुछ उनके पास शिष्य भी थे जो उनसे विद्या ग्रहण करते थे। एक दिन महात्मा जी ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा कि बच्चों यहां मेरे पास आओ। शिष्य दौड़े दौड़े उनके पास आते हैं तो प्रत्येक शिष्य से कहते हैं कि जरा हमारे मुख में देखो कितने दांत हैं। एक एक बच्चा जाता है और ऋषि के मुंह खोलते हैं तो कहता है कि इसमें कोई दांत नहीं है। एक नहीं, सभी शिष्यों से पूछा बारी बारी से। शिष्य ने कहा, गुरु जी इसमें दांत है ही नहीं है। गुरु जी ने आश्चर्य व्यक्त किया, क्या दांत है ही नहीं है? देखो फिर जीव है क्या? शिष्यों ने कहा, हाँ जीव है गुरु जी। तो गुरु जी ने कहा कि दांत कहाँ गए बताओ? जीव तो पहले से आए थे, दांत बाद में आए, दांत कहाँ गए? सब बच्चे उदास हो गए, कोई उत्तर न दे सका। तो शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, मुझे जानकारी नहीं है कि दांत कहाँ गए, कृपया बताने का कष्ट करें। गुरुदेव जी ने कहा कि देखो, जीव पहले आया है, वो बहुत ही मुलायम है, जन्म के समय ही आया है और दांत बाद में आया है, लेकिन दांत कठोर होने के कारण चला गया और हमारा जो जीव है, जीव जिसका भी है, वो विनम्र है, लचीला होता है। जीव जीव साथ पर्यंत जीवन पर्यंत रहता है। प्रिय भैया बहनों, आप भी विनम्र बनिए कठोर नहीं। संत जी ने कहा, इस प्रकार से शिष्य को समझाया कि विनम्र बनो कठोर नहीं। हमें भी विनम्र बनना चाहिए कठोर नहीं। आप इस कहानी को समझेंगे और सोचेंगे। धन्यवाद।